हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं? फिर मैं एक नए स्टूडेंट के साथ और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जो भी मैं ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ और जान लेता हूँ स्टूडेंट का क्या नाम है और कितने डेज हो गए और कहाँ से आते हैं। हेलो, क्या नाम है बेटा आपका? ओके, ओके। और कितने डेज हो गए आपको ड्राइविंग करते हैं? ओके। और इससे पहले आपने कोई कार चलाई? इससे पहले मैंने एक दो बार चलाई है। ओके, इसको फर्स्ट गियर में कर लो। ओके, एक दो बार। कौन सी कार चलाई है? इसके पहले मैंने जेस्ट चलाई है। ऊपर जाके लेफ्ट लेना है, टाटा जेस्ट। ओके, ऑन मारो, लेफ्ट टर्न करना, कार टू लेफ्ट। चलो धीरे धीरे आराम से। तो दोस्तों, मुस्कान जी को सेकेंड डे है और काफ़ी अच्छा चला रही हैं। बस थोड़ा सा क्या है ना कि कुछ लोग घर पे सीखते हैं तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो थोड़ा ये है कि हाँ, चीज़ें जो होती है ना, एक ड्राइविंग स्कूल से क्या होता है ना, बारीकियाँ बताना कि छोटी छोटी चीज़ें जो है कभी भी गलती ना हो। तो हम लोग बात करते हैं कि कार चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्पीड में चलाना चाहिए या स्लो चलाना चाहिए, कौन से गियर में हमको कार सीखनी चाहिए, फर्स्ट या सेकेंड, और फर्स्ट गियर में कार चलाने से क्या गाड़ी को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, सेकेंड गियर में कितनी स्पीड तक हम मेंटेन कर सकते हैं, अगर हम सीख रहे हैं तो क्या फर्स्ट गियर में हम आधे घंटे एक घंटे कार को चला सकते हैं क्या, अगर चला सकते हैं तो किन किन चीज़ों को नहीं करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। आपका जो राइट वाला लेग है वो सही नहीं है, उसको ब्रेक पे लेके आओ, प्रॉपर ब्रेक पे लेके आओ। हाँ, अभी आपका जो टो है वो जाना चाहिए, ठीक है, एक्सीलेटर पे टो लेके जाओ। हाँ, फिर वापस ब्रेक पे लेके आओ, फिर लेके जाओ, फिर लेके आओ। एड़ी वहाँ से उठनी नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में, आपका पैर धीरे धीरे खिसक जा रहा है, ठीक है, जिससे फिर एक्सीलेटर पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। चलो धीरे धीरे जाओ, और ये लेफ्ट वाला भी पीछे खींचो, थोड़ा पैर लेफ्ट वाला पीछे करो, गुड। हाँ, ये पोजीशन होना चाहिए अब, ठीक है ना। हाइट आपकी ज़्यादा, कितनी हाइट है आपकी? 5'8" है, इसी वजह से। चलो जाने दो धीरे धीरे, क्योंकि हाइट आपकी ज़्यादा, आप सीट बहुत ज़्यादा आगे करके चला रही थी, इसलिए आपके जो पैर थे ना वो मुड़ रहे थे, स्पीड कम। आगे से लेफ्ट का सिग्नल दो, ऊपर को लेफ्ट का सिग्नल दो, क्लच दबा के इसको फर्स्ट गियर में करो, थर्ड गियर है बेटा ये, क्लच न्यूट्रल करो, पहला गियर, हाँ पहला, जाने दो धीरे धीरे, गुड। शूज फिर आपका ऊपर खिसक गया, लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाले की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, हमेशा टो रखना होता है, जब आप टो रखोगे तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। धीरे धीरे टर्न करना है, ब्रेक पे पैर रखो राइट वाला और लेफ्ट काटो, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पे स्पीड हमारी 10 के आसपास होना चाहिए। आप फर्स्ट गियर कर लेंगे तो उसमें आपके पास ऑप्शन रहेगा कि गाड़ी कहीं टकराएगी नहीं, स्पीड ओवर नहीं होगी, ठीक है, जाने दो। अगर फर्स्ट गियर में हम कार चलाते हैं, जैसे सीखने के लिए क्या होता है कि फर्स्ट गियर में हम ज़्यादा देर गाड़ी को नहीं चला सकते, अगर चलाते तो गाड़ी हीट कर जाती है। अभी देखो आपने क्या मिस्टेक करी, आपने राइट वाला पैर ब्रेक पे नहीं रखा था, रखा नहीं रखा। चलो जाने दो धीरे धीरे, क्लच छोड़ो, हाँ हॉर्न मारो और लेफ्ट आओ, हल्का लेफ्ट आओ, अब राइट जाना धीरे धीरे, ब्लाइंड टर्न है, ब्लाइंड टर्न है, सिग्नल दो राइट का, हाँ जाने दो धीरे धीरे राइट का बेटा, नीचे को आपने लेफ्ट का दे दिया था, राइट रखो हल्का हल्का, जाने दो धीरे 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 धीरे, हाँ लेफ्ट आओ हल्का और लेफ्ट, बस। अब यहाँ पे एक्सीलेटर की कोई ज़रूरत है मुस्कान जी? नहीं है ना, तो यहाँ पे एक्सीलेटर पे पैर नहीं होना चाहिए, लेफ्ट आ जाओ, क्योंकि फास्ट चलाना कोई कला नहीं है, जितना स्लो चलाएंगे उतनी बारीकियाँ हमको समझ में आएंगी। तेज़ में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर जाते हैं, स्लो में क्या है ना, हमको सीखने का और समझने का मौका मिलता है। जैसे अभी हॉर्न आया पीछे से, कोई बड़ी गाड़ी है, ठीक है ना, फॉर्चुनर है या तो फिर स्कॉर्पियो, कोई बड़ी गाड़ी है, उसके हॉर्न से पता चल रहा है, ठीक है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन जैसे कि आपने क्या करा, हॉर्न सुनते आप गर्दन पीछे मोड़ के देख रही थी, आपको साइड मिरर में देखना है कि कौन सी गाड़ी देखो निकल रही है, फॉर्चुनर है, हल्का साइड आ जाओ, उसको जाने दो, ब्रेक पे पैर ले आओ, हाँ उसको निकल जाने दो, गुड, सीधा जाना, चलो वो नहीं निकाल रहा है, जाने दो, हम लोग को सीधा चलना है, ट्रैक्टर खड़ा है उसी साइड, हॉर्न मारो ऐसे मोड़ो पे, हॉर्न देके लेफ्ट आओ, ओवर स्पीड नहीं होनी चाहिए। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे एक्सेलेटर पे पैर आपका जाना ही नहीं चाहिए, जैसे अभी क्या था, टर्निंग पे आपसे एक्सेलेटर दबा था, नहीं दबना चाहिए था, क्योंकि ब्रेक पे अगर पैर होगा तो इमरजेंसी में आप ब्रेक लगाना ना लगाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर एक्सेलेटर पे पैर है तो कई बार आप लेफ्ट वाले पैर से क्लच को इस्तेमाल कर रहे हो, राइट वाला आपका पैर मूवमेंट में आ जाता है, तो उससे क्या होगा, एक्सेलेटर दब जाएगा। और अगर फर्स्ट गियर में हम कार चला रहे हैं तो वहाँ पर हम अगर क्लच नहीं दबा रहे हैं
और फर्स्ट गियर में बगैर एक्सीलेटर कार को चला रहे हैं तो इंजन पे कोई लोड नहीं पड़ता है, हम चला सकते हैं। सेकंड गियर में बिना एक्सीलेटर 10 से 15 की स्पीड में गाड़ी चल सकती है, ऐसा कोई नुकसान नहीं होता। यहीं से लेफ्ट लेना है, स्लो करो, सिग्नल दो लेफ्ट का, सिग्नल बेटा लेफ्ट ऊपर, हाँ। अब यहाँ से ये बाल विहार के लिए चल रहा है, धीरे धीरे टर्न करना है, लेफ्ट वाले साइड मिरर में देखो, हाँ काटो लेफ्ट और काटो, हाँ बस सीधी करो गाड़ी, सीधी, गुड, सीधी। आपने यहाँ पे कितने राउंड काटे थे? दो राउंड, और दो राउंड सीधी करी, काटने के लिए धीरे धीरे, सीधी करने के लिए फटाफट। स्टीयरिंग 3 और 9 पे पकड़ो, क्लॉक टाइम 3 और 9, घड़ी का जो टाइम होता है, 3 और 9, हाँ ये, और लहराओ मत अभी, थोड़ा सा आप स्पीड को भूल जाओ कि एक्सीलेटर नाम की कोई चीज़ है इसमें, क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमको गाड़ी को कंट्रोल करना, ठीक है, उसके बाद स्पीड मेंटेन करना। अभी क्या है ना, आपसे एक्सीलेटर जरूरत से ज़्यादा दब जा रहा है जिससे कि गाड़ी लहरा जा रही है, बाकी आप सही चला रहे हो, सेकंड डे के हिसाब से अच्छा चला रहे हो, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को और ध्यान दे दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। जो आपने अपनी कार चलाई थी वो कहाँ चलाई थी, ग्राउंड में या रोड पे? कौन से रोड पे? मेन रोड नहीं थी, ऐसी नॉर्मल थी। कहाँ, लखनऊ में, बहराइच में? बहराइच में, तब तो फिर तो। अब आगे से यहाँ से हम लोग को राइट जाना है, सिग्नल दो राइट का नीचे को, इसको क्लच दबा के फर्स्ट गियर में करो, क्लच दबा के फर्स्ट गियर, वेरी गुड। राइट वाला पैर फिर ब्रेक पे नहीं आया था आपका, अभी स्लो करो, हाँ हॉर्न मारो, बस अब धीरे से राइट काटो, आराम से वापस रोड पे आ जाओ, गुड, लेफ्ट आओ, हाँ, क्योंकि फिर देखो पूरा पैर उठा के ले गई आप, पूरा पैर नहीं उठा के लेके जाना, वो वी शेप में आपका पैर चलेगा, लेके आओ ब्रेक पे, एक्सीलेटर पे, एक्सीलेटर पे, ब्रेक पे, फटाफट करके क्लच छोड़ो, क्लच छोड़ो, क्लच छोड़ो, जाने दो, ये देखो लेफ्ट वाला पैर फिर ऊपर खिसक गया, राइट खोल का, और नीचे खींचो थोड़ा पैर, लेफ्ट वाले की बात, हाँ बस जाओ धीरे धीरे, आगे से राइट जाना है, सिग्नल दो राइट का, हाँ देखो 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 मैडम को, बस लेफ्ट आओ। आपका बेटा पैर एक्सीलेटर पे क्यों रहता है बार बार? कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो टर्निंग पॉइंट है, वहाँ पे ब्रेक पे पैर आना बहुत ज़रूरी है, एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि स्कूटी नहीं है, बाइक नहीं है, फोर व्हीलर में क्या, अगर आप फर्स्ट और सेकंड गियर में नहीं भी एक्सीलेटर लोगे, यहीं से लेफ्ट चलना है। सिग्नल दो लेफ्ट का ऊपर को, गुड, टर्न करो धीरे धीरे, हाँ। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जब हम टर्न कर रहे हैं तो हमको ये जरूर पता होना, सीधी करो फटाफट, कि हम देखो फिर आपका एक्सीलेटर पे पैर पहुंच गया, गलत, ये फिर आपको ज़रूरत होगी ब्रेक की, आप दबा दोगे एक्सीलेटर, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि सीन क्या हुआ, और गाड़ी सीधा जाके लेफ्ट आओ, लेफ्ट नहीं, हाँ धीरे धीरे। अभी ये ब्लाइंड टर्न है, यहाँ पे आप पहले सिग्नल दो लेफ्ट का, हाँ, और लॉन्ग हॉर्न पुश करो, और पैर राइट वाला ब्रेक पे ही रहना चाहिए, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना है। लेफ्ट आओ, और लेफ्ट आओ, बस सीधी करो, गुड, जाने दो धीरे धीरे, फिर लेफ्ट दबा के राइट टर्न करना, क्योंकि ब्लाइंड टर्न है, लेफ्ट आओ और लेफ्ट, थोड़ा कर्व लेके, और लेफ्ट आओ और लेफ्ट, हाँ। अब राइट का सिग्नल दो, अभी नहीं काटना, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, अब काटो। ऐसे मोड़ों पे क्या होता है ना कि अगर हम राइट दबा के टर्न करेंगे, सीधी करो वापस फटाफट फटाफट, हाँ बस हल्का राइट को, अगर हम लेफ्ट आओ, अगर हम राइट दबा के टर्न करेंगे तो ब्लाइंड टर्न है, सामने से जो गाड़ी आएगी वो कहाँ जाएगी, तो हमेशा एक्सीडेंट इसी वजह से होती है। जब भी कोई भी, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे स्कूटी हो, अगर आप चला रहे हो तो उसको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो कि ब्लाइंड टर्न पे पूरी गाड़ी अपनी लेफ्ट दबा के रखो। अब आपने कौन सा गियर डाला है, क्यों क्यों डाला? फर्स्ट गियर पे बहुत स्लो चल रही, बहुत स्लो चल रही थी, तो यहाँ पे स्लो ही चलानी थी, क्योंकि ये बार बार टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं ना। अब इसको क्लच दबा के फर्स्ट गियर करो, गुड, यहाँ से फिर लेफ्ट लेना, सिग्नल दो लेफ्ट का, हॉर्न दो, हल्का सा लेफ्ट दबा के, ताकि आपका पिछला टायर जो इस पिलर में ना टकराए। अब लेफ्ट टर्न करो, इतना पोर्शन जो ये है ना, ये मिरर, ये पिलर, इतना आगे गाड़ी आपकी निकल जाए, उसके बाद आपको टर्न करना स्टार्ट कर देना, फिर राइट जाना है लेफ्ट दबा के, पहले लेफ्ट आओ। अब देखो जैसे आपने काटा, अगर अभी इधर सामने से कोई बाइक भी आ जाती तो क्या आपने उसके लिए राइट में जगह छोड़ी थी? हाँ नहीं छोड़ी ना, तो फिर वो कैसे जाएगा, हमारी गाड़ी के ऊपर से जाएगा, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, हमारी जो साइड है हम अपनी साइड में चलेंगे, चाहे ब्लाइंड टर्न हो, चाहे बिजी रोड हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये दो तीन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना है कि सामने वाला आएगा वो अपनी साइड से आएगा, हम अपनी साइड से जा रहे हैं। अभी हॉर्न दीजिए, सीधा जाने, सीधा हॉर्न, चौधरी साहब बैठे ना रोड पे, लेफ्ट आओ उनको हटाने के लिए, हल्का राइट रखो, राइट राइट, लेफ्ट आओ लेफ्ट, वो हटेंगे नहीं, हट जाओ भाई साहब, बड़ा ढीठ बंदा है, हिला नहीं है जरा सा भी, नहीं तो वैसे तो
डॉगी हट जाते हैं, इसको बीच में कर सकते थे आप। देखो इसको इन ऐसे पिलर को, ये जो है आपका मेन होल, इनको दोनों टायरों के बीच में आप कर सकते हैं। ये भी एक जजमेंट होता है, ज़्यादा ऊंचा है तो नहीं करना है, हल्का फुल्का है तो आसानी से निकाल सकते हो। जाने दो धीरे धीरे, हल्का लेफ्ट आओ, हाँ बस राइट रखो, जाने दो और लेफ्ट आओ, गुड, जाओ हल्का राइट रखो, राइट बस जाने दो। आगे से पिकनिक स्पॉट से फिर हम लोग को लेफ्ट जाना है, अभी सिग्नल दो लेफ्ट का बेटा, ये राइट का सिग्नल है। चलो हल्का लेफ्ट आओ और लेफ्ट आओ, बस एक लॉन्ग हॉर्न पुश करो, राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आ जाओ, हाँ दबाना नहीं है, अभी जाने दो, अब लेफ्ट काट दो फटाफट, जल्दी जल्दी थोड़ा फुर्ती से, हाँ बस, ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं, और अब जाओ, अब बढ़ाओ स्पीड, बढ़ाओ धीरे धीरे, रेस करो हल्का, और रेस करो, और अब एक्सीलेटर वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर फटाफट जल्दी से, वेरी गुड, चलो जाओ छोड़ो, देख के स्टीयरिंग लहरानी नहीं चाहिए, और साइड मिरर में आपकी नज़र जानी चाहिए कि आपकी एक्टिविटी, आपकी गाड़ी के अगल बगल कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है। दो तीन चीज़ों पर बहुत ज़रूरी ध्यान देना है, आप ये समझ लो कि सारी जिम्मेदारी आपकी है, जितनी बड़ी गाड़ी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी, और लेफ्ट ही दबा के रखो, ये जो आपका लेफ्ट में ये इस पे बोनेट पे रॉड लगा है, इससे आप जजमेंट ले सकते हो कि आपकी गाड़ी लेफ्ट में कितनी चल रही है, बाकी साइड मिरर से भी आप फोकस कर सकते हो। अभी कौन से गियर में गाड़ी आपकी है? सेकंड गियर की मिनिमम स्पीड कितनी होती है? 20, मैक्सिमम 30 होती है, ठीक है। जो मैंने कुछ वीडियोज़ आपको बताई थी वो देख लेंगे तो बेस्ट है, नहीं देखेंगे तो ऑल द बेस्ट है, ठीक है। हल्का लेफ्ट आ जाओ, देखो गाय माता है सामने, ध्यान रखना, जाने दो धीरे धीरे, वीडियो से बहुत हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलती है, लेफ्ट आ जाओ, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे माइंड में आ जाती हैं कि हमको करना कैसे है। जब आप चीज़ें समझ लोगे तो उसके बाद यहाँ अप्लाई बहुत अच्छे से करोगे, इसको हॉर्न मारो साइकिल वाले को, क्योंकि लेफ्ट में जितना ट्रैफिक चल रहा है उसकी जिम्मेदारी हमारी है, हमको बचाना है, सामने से जो आ रहा है वो अपने आप खुद कंट्रोल करेगा। गुड, लेफ्ट ही रखना, ज़्यादा राइट जाने की कोशिश मत करना। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउन, क्योंकि ये सीमैप से गाड़ियाँ निकल आती ना अचानक, तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई कट है या कोई रोड है, तो वहाँ पे एकदम आपको अलर्ट हो जाना कि कभी भी कोई भी निकल सकता है। जाने दो, हॉर्न मारो साइकिल वाले को और अपना लेफ्ट ही दबा के रखना। गुड, अब इस एंटीने से वो साइकिल वाले को मैच करो, देखो क्या लग रहा है, बंदा गाड़ी के सामने आ रहा है ना, हाँ, तो बस इससे ये हमको पता चल जाता है अभी वो लेफ्ट चला गया, तो एंटीना इसलिए लगा है तो इससे हमको लेफ्ट साइड का जजमेंट बहुत आसानी से आ जाता है। धीरे धीरे लेफ्ट का सिग्नल दो, हाँ ऊपर को, अभी आगे बढ़ा के वहाँ रोकना है, इन भाई साहब को ड्रॉप करना है, अभी क्लच दबा के फर्स्ट गियर करो, ये हाँ आराम से, ये फर्स्ट नहीं बेटा ये थर्ड है, क्लच दबा के फर्स्ट करो, लेफ्ट ला के ऊपर, हाँ फिर थर्ड डाल दिया आपने, हाँ अब ये फर्स्ट है, ठीक है। अब रोको पूरा क्लच और धीरे से ब्रेक, इसको न्यूट्रल करो गाड़ी को, बस न्यूट्रल, हाँ ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल, चलो अभी न्यूट्रल, ओके भाई साहब, कल अपना टाइम पे फिर आ जाइएगा, ठीक है। अभी सीधा जाओ पहले गियर में करो, पहला गियर करो, हाँ नहीं लगा, न्यूट्रल है बेटा ये, चलो सीधा जाना है, चलो धीरे धीरे क्लच छोड़ो, राइट वाली साइड मिरर में देखो, हाँ जाने दो धीरे धीरे, हाँ अब लेफ्ट आओ, सीधा चलना हम लोग को, अभी है 5-7-10 मिनट, जब तक वो मैडम आ जाएंगे फिर आपको वहीं ड्रॉप करवा देंगे जहाँ कल किया था। जाओ धीरे धीरे, जाने दो, गुड, वेरी गुड, अब क्लच दबा के सेकंड गियर करो, राइट वाला पैर ब्रेक पे नहीं लाइए आप, चलो गियर चेंज करो, लेफ्ट ला के फोर्थ गियर है, लेफ्ट ला के पीछे, वेरी गुड, चलो छोड़ो, गुड, चलो कम से कम राइट वाला पैर तो आपका सेट हो गया, बट वो ब्रेक पे भी आ जाना चाहिए बीच बीच में। अभी हम लोग यहाँ चलेंगे अंदर अबरार नगर के अंदर, ठीक है, ये सामने सामने आगे से राइट, जहाँ वीवो लिखा है वहीं से राइट चलेंगे, राइट का सिग्नल दो नीचे को, हाँ और ब्रेक पे पैर लिया और लेफ्ट लेके आओ गाड़ी, अभी लेफ्ट आओ और लेफ्ट, हाँ अब धीरे धीरे राइट का मोमेंट हो, जाओ सिग्नल बंद हो गया है, सिग्नल दो, चलो छोड़ो क्लच, छोड़ो क्लच, छोड़ो, हाँ धीरे धीरे जाने दो, जाने दो धीरे धीरे, हाँ जाओ जाओ राइट काटो और राइट काटो, जाओ जाओ काटो राइट, हाँ वापस लेफ्ट आओ धीरे धीरे, गुड, और धीरे धीरे बस राइट रखो हल्का, हाँ स्टीयरिंग ज़्यादा नहीं घुमानी है, लेफ्ट वाला पैर फिर आपका ऊपर खिसक गया, हाँ हल्का राइट रखो,
अब राइट वाला पैर आपका बेटा ब्रेक पे होना चाहिए था, देखो नहीं आया ना टाइम पे ब्रेक पे, अब इसको फर्स्ट गियर में करो। अब जाओ राइट काट के जाओ, चलो जाओ जाने दो धीरे धीरे, सही से ढंग से रखो राइट वाला पैर ब्रेक पे, सही से रखो सही से, हाँ चलो अब जाओ धीरे धीरे जाने दो, हाँ हल्का लेफ्ट आओ। यही सारी चीज़ें होती हैं, नज़र हटी दुर्घटना घटी, एक सेकंड का खेल होता है। जाओ बढ़ाओ स्पीड और फर्स्ट गियर में ही रखना है। हाँ अभी और सामने टर्निंग आ रहा है ना, लेफ्ट पूरा दबा के रखो अपनी गाड़ी बेटा, लेफ्ट लेके आओ, हाँ सीधा जाओ और लेफ्ट आओ, यहाँ से राइट का सिग्नल दो धीरे 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 धीरे, हाँ वेरी गुड, लेफ्ट आओ और लेफ्ट, गुड। अब क्लच दबा के सेकंड गियर करो, एक्सेलेटर से पैर नहीं हटाई हो, बहुत बढ़िया, चलो क्लच रिलीज करो, जाने दो धीरे धीरे, स्टीयरिंग सही से पकड़ो 3 और 9 पे। अभी बहुत कमियां हैं मुस्कान जी आपकी, समझ रहे हैं, बहुत सारी कमियां हैं, इसको सुधारना है। स्पीड कम, हाँ टाइम पे ब्रेक पे पैर, टाइम पे क्लच पे, टाइम पे स्टीयरिंग, अगर गलत डायरेक्शन में पकड़ोगे तो गाड़ी इसी स्टीयरिंग से कंट्रोल होनी, तो गाड़ी लेफ्ट राइट भग जाएगी, नज़र हटी दुर्घटना घटी, एक सेकंड का खेल होता है। अभी टी पॉइंट से हम लोग को लेफ्ट जाना है, अभी से बता दिया, 100 मीटर पहले बिफोर सिग्नल देना है आपको, सामने इनोवा है राइट खोल का, अभी इसको क्लच दबा के फर्स्ट गियर में कर लो, राइट वाला पैर ब्रेक पे नहीं आया आपका, फटाफट फर्स्ट गियर करो, देखो गियर चेंज करने के टाइम में नागिन डांस हो गया, हो गया नहीं हो गया, स्टीयरिंग पूरी राइट चलेगी, इसको हॉर्न मारो टमाटर वाले को, लेफ्ट टर्न करो, काटो लेफ्ट काटो बेटा, आगे पीछे कर लो चंदा, बढ़ाओ जाओ, काटो लेफ्ट काटो काटो, स्टीयरिंग काटो काटो और काटो और काटो, हाँ बस सीधी करो, बस जाने दो, स्पीड बढ़ाओ, जाने दो धीरे धीरे, हाँ हाँ अभी मैं बताऊंगा, एकदम स्ट्रेट जाना है, राइट खोल का हॉर्न मारो, गुड। इन सब गलियों में चलाने से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बचाया अभी ले गई थी दीवाल, स्पीड कम, देखा ही नहीं लेफ्ट में, अभी पिलर में लड़ता साइड मिरर लेफ्ट वाला, थोड़ा ध्यान दो लेफ्ट राइट, नज़र चारों तरफ रहनी चाहिए, आपको ये पता हो कि आपकी गाड़ी कितना स्पेस ले रही है, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ आराम से, क्योंकि देख लो रोड कैसा है, एकदम धीरे धीरे, हाँ लेफ्ट आओ, हाँ टी पॉइंट से फिर लेफ्ट लेना है। कुछ कहना चाहेंगी आप? आप बहुत अच्छा सिखाते हैं। बस इतना ही, और कुछ नहीं कहना चाहेंगी? यहाँ से लेफ्ट स्लो करो, हाँ स्लो लेफ्ट 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 काटना है, काटो और लेफ्ट काटो, नाले में चली जाएगी, जल्दी 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 जल्दी, हाँ लेफ्ट ही चलना हम लोग को, सीधी करो सीधी करो सीधी करो, चलो 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 चाचा चलो, बढ़ाओ बढ़ाओ, अभी काम हो गया था, बढ़ाओ धीरे धीरे, बेचारे की गोभी धनिया सब बिक जाती, बढ़ाओ रेस करो, वहाँ टमाटर वाले को बचाया आपने और यहाँ गोभी और अदरक वाले को। हाय गाइस दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम।